इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिवराज पाटिल, जो देश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एक विवादित बयान उन्होंने दिया है और उसके बाद मच गया है हंगामा। जी हां, गीता के पाठ में जिहाद का जिक्र है, ये कहा है शिवराज पाटिल ने। और आपको ये भी बता दें कि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। गीता और बाइबल में जिहाद, ये शिवराज पाटिल की तरफ से कहा गया। एक बुक लॉन्च के दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की तरफ से अब आरोप लगाया जा रहा है कि ये सोचा समझा दिया गया बयान है, ये वोट बैंक के लिए कही गई बात है। शहजाद पूनावाला ने ये ट्वीट करके आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान हम आपको बता रहे हैं। बुक लॉन्च के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी तमाम इसी तरह के विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं शिवराज पाटिल। गीता के उपदेश को लेकर उन्होंने कहा है कि जिहाद का जिक्र वहां पर भी है। आपको ये भी बता दें कि किताब के विमोचन के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने भगवत गीता को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसके बाद वो सबके निशाने पर हैं। उन्होंने साफ कहा कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बताया गया। तमाम कोशिशों के बाद भी अगर कोई स्वच्छ विचार को नहीं समझता, शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तो गीता में भी इसका जिक्र है। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को यही पाठ पढ़ाया था। ये तमाम बातें उन्होंने बुक लॉन्च के दौरान स्टेज पर बैठकर कही हैं। वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं।